अरे तुम्हारे से अपेक्षा नहीं है झूठ बोलने का यार, और तुम झूठे नहीं हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको उन्होंने खाली कहा कि उनके नेतृत्व में रहेगा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है शुभ्रांश तो डिक्लेयर करेंगे तो झूठ बोले देवेंद्र फडणवीस जी को सवाल पूछा गया कि आने वाले चुनाव में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की तरफ हाथ किया और कहा कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और यही रहेंगे। आप मुझे बताइए इसमें और कितना क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। शुभ्रांश राय एक मिनट, नहीं नहीं तुम तो करेंगे ऐसा कहा था। शुभ्रांश राय दो तीन बातें हैं, मर्जर एक मिनट शांत, मर्ज कर लगवा लीजिए शरद पवार को, महाराष्ट्र में खड़े हो जाइएगा। एक तो मैं अजय आलोक जी की कुछ बातों से सहमत हूं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मर्ज करवा लीजिए शरद पवार को, महाराष्ट्र में खड़े हो जाएगी। एक सेकंड स्लाइड कास्ट डॉक्टर अजय, एक सेकंड शुभ्रांश राय। अरे अरे आलोक भाई सुनिए, पलटू राम के शागिर्द आप मुझे सलामत दीजिए, मैं सलामत दीजिए तो जो करना करेंगे। अरे आलोक भाई सुनिए, सलाह की जरूरत नहीं है। सुनिए स्लाइड कास्ट प्लीज, सुनिए शुभ्रांश राय एक मिनट सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से 140 से ज्यादा तो कांग्रेसी है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं पैदा करती, वो दूसरों के बच्चों को ले लेती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके यहाँ जो कार्यकर्ता है या इनका जो नेता है उसकी किस्मत में लिख दिया गया कि बेटा तुम दर्री बिछाओगे और पोस्टर चिपकाओगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हम दूसरी पार्टी से लेंगे, कैबिनेट मंत्री हम दूसरी पार्टी से लेंगे, गवर्नर हम कांग्रेस से लेंगे, हम सब कुछ बाहर से लेंगे। तुम्हारे को हिंदू मुसलमान के नाम पे टेलीविजन पे डिबेट करना है, बाकी अगर एमएलसी राज्यसभा देने की बारी आएगी तो वो भी हम कांग्रेस से आए हुए लोगों को देंगे। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं पद्मजा बड़ी आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को यह जवाब देना होगा कि 10,677 प्याज के, सोयाबीन के और कपास के किसान जो लगभग हर साल इतने किसानों की अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी कब लेंगे? एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों नरेंद्र मोदी जी ने प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था? क्या इसकी वजह से यहां लोगों की जो अर्थव्यवस्था के ऊपर कुठाराघात हुआ है, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप जितनी बात कर लीजिए हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, एक सवाल गंभीर है वो सबके लिए है, बलात्कारियों का, रेपिस्टों का, अपराधियों का संरक्षण गृह आज के डेट में भाजपा बन गया। मैं नाम गिनाऊंगा तो अजय आलोक थक जाएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको गंभीरता से देना होगा कि महाराष्ट्र बंबई जो कैपिटल राजधानी है हिंदुस्तान की, 70 से ज्यादा हर महीने हर दिन लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही, आखिर वो कहां हैं? पुलिस तो साधारण लोगों के मुकदमे तक दर्ज नहीं कर रही है। ये जवाब आपको देना होगा, इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। जवाब दे दूं? क्योंकि हमारा देश है, हमारी जवाब लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता हर कोई सेंटर और चिन्मयानंद नहीं हो सकता। जवाब सुनिए डॉक्टर अजय, अगर ये बेटियां जी ऐसा है कि एक मिनट सुभाष भाई आप बोल लिए, सुनिए से जवाब देना। ये कांग्रेस इंसाइक्लोपीडिया से ऐसे ऐसे डेटा फिगर्स आते हैं ना कि आप गूगल से लेके सब कुछ सर्च कर जाइएगा, जैट जीपीटी आपको वो डेटा नहीं मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी निकाल के लाती है। 10,756 का किसानों का आंकड़ा दे रहे हैं, कर्नाटक में तो ऑन रेकॉर्ड आ गया 1,250 किसानों ने पिछले 6 महीने में आत्महत्या की। करके आपने पूरी अपनी बात की, एनसीआरबी का डेटा है, बिना रोक टोक की पूरी बात की आपने। ये गृह मंत्रालय का सरकारी डेटा है। अब ये देखिए गृह मंत्रालय, अरे एक मिनट भैया एक सुनिए ना, देखिए सुनिए सुनिए, फालतू बात मत करिए। 6 महीने में कर्नाटक में 1,250 किसानों ने आत्महत्या की, बकायदा लिख लिख के आत्महत्या की। आपकी सरकार ने कुछ नहीं बोला, चैट जीपीटी या गूगल तक आपके आगे फेल हो जाता है आपके इंसाइक्लोपीडिया के आगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जहां जहां से डेटा निकाल के लाते हैं हमें भी खोलना पड़ जाता है, बकायदा इटली से इंपोर्ट किया कि कहां से इंपोर्ट किया डेटा। ठीक है, फालतू इनफैक्चुअल बात पे बात करते हैं, मुद्दे की बात करते नहीं आप। एक मुद्दा है कांग्रेस को, परसेप्शन बन चुका है कि आप झूठे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी है लंबा ये देश में, परसेप्शन लंबा कैंपेन है। किसानों के मुद्दे पे हम अलग से सारे आंकड़ों के साथ कोई चैट जीपीटी के बिना आकर के अलग से पूरी डिबेट करेंगे, पर आपने एक जरूरी बात वहां पर कही कि जो नेता इंपोर्ट होकर के आते हैं, और ऐसे एक नेता से याद आया आनंद दुबे जी वर्ली की सीट से जहां आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं, ऐसे ही एक नेता को शिवसेना ने कहा है हम उतारने वाले हैं, मिलिंद देवरा को खड़े करेंगे, यानी कि इस बार वॉकओवर नहीं मिलेगा आदित्य ठाकरे को।
ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा, कांटे की टक्कर दी जाएगी वर्ली में भी। तो क्या करें अब हम लोग, घर बैठ जाएं, डर जाएं, छुप जाएं। मिलिंद देवरा 2000 वर्ली सी फेजर 2000 और पेंगुइन देखिए जाके, कांग्रेस नाव लेके जाइए घूमने, राज्यसभा बन गए। इनसे भी बड़ा योद्धा लाइए ना, मिलिंद देवरा से बड़ा अजय आलोक को लाइए। हम तो चुनौती देते अजय आलोक, आप आइए वर्ली से लड़िए, आइए ना, कितनी ताकत है, जानते हैं ना आपकी हारते हैं, इसीलिए ना अच्छी अच्छी बात करेंगे, देखते हैं जरा। आप तो जानते ही हैं कि हारते हैं, हम पटना के चुनाव लड़ते हैं आपके सामने।